तो यार जब भी मैं अपने ब्लॉगिंग अर्निंग प्रूफ आपके साथ शेयर करता हूं तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं इवेंचुअली ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने के अंदर और उसमें से भी मैक्सिमम लोग वही होते हैं जो कि फ्री ब्लॉगिंग को ज्यादा प्रमोट करते हैं और फ्री ब्लॉगिंग की तरफ ही काम करते हैं जहां पर आपको डोमेन का भी पैसा नहीं देना है होस्टिंग का भी पैसा नहीं देना है बिना इन्वेस्टमेंट के वो ब्लॉगिंग को स्टार्ट करते हैं और वहां से वो लाखों रुपए हर महीने कमाने का सोचते हैं अगर आप भी ब्लॉगिंग को शुरू करने वाले थे या फिर आपके दिमाग में भी आइडियाज चलने के अगर ब्लॉगिंग को स्टार्ट करते हो तो आप भी एक्चुअल में

मोटिवेट होता था यार ब्लॉगिंग करने के लिए जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तो मैंने भी फ्री ब्लॉगिंग से ही स्टार्ट किया था और धीरे धीरे जब मैं ग्रो होता गया तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज करा और धीरे धीरे मैं यहां पे ग्रो होता 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 आज के टाइम में अच्छा खासा पैसा ब्लॉगिंग से ही कमा लेता हूं लेकिन बिगिनर्स को एक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से या फिर उन्हें बिलीव नहीं होता यार ये चीजें काम करेंगी वो फ्री ब्लॉगिंग की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहते है और अपना मैक्सिमम टाइम उसी जगह के अंदर वेस्ट कर देते हैं आज का ये वीडियो दो पार्ट्स में रहेगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो जनरल प्रैक्टिस है जो लोग प्रेफर करते हैं

अगर आप फॉलो करोगे तो आप इवेंचुअली पैसा कमा पाओगे से। लेकिन उससे पहले अगर आपको अच्छा लगता है तो इस को करते हैं और, पर हो और आप भी से पैसा कमाने चाहते हो यार। तो मैं अपने को पर फ्री में आपके साथ इन्फॉर्मेशन है कि जो जो चीजें मैंने ट्राई करी है जिनने मुझे सक्सेस पाने में अचीव करने के अंदर हेल्प किया है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जुड़ जाए और सब्सक्राइब कर देगा जनरल प्रैक्टिस क्या है उसी के साथ

क्टिस है ये आपको बहुत दूर तक नहीं लेके जाएगी अगर आप बस ट्राईआउट करना चाहते हो कि कैसे ब्लॉग्स बनते हैं कैसे वेबसाइट्स काम करते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो उन लोगों को समझ ही नहीं आता यार ब्लॉगिंग किस तरीके से होती है कैसे वेबसाइट बनती है कैसे डोमेन कनेक्ट होता है तो अगर आप इस तरीके से चीजें समझना चाहते हो सीखना चाहते हो तो उसके लिए ये फ्री प्लेटफॉर्म बेस्ट है टेस्टिंग के लिए ये चीज परफेक्ट है बट अगर आप यहां से सोच रहे हो यार कि अगर आप एक फ्री ब्लॉग से पैसा कमा लोगे इवेंचुअली तो वो चीज हो सकती है लेकिन आप इसको आगे

पांच हजार दस हजार तक मिल जाती है एक साल के लिए अब एक बार आपने वो डोमेन खरीद ली होस्टिंग खरीद ली तो उसके बाद आपको एक साल के लिए कुछ भी नहीं करना है और दो खर्चे हो गए इसमें से एक खर्चा जो आपको करना ही पड़ेगा बिना उसके ये काम नहीं चलने वाला है बिना उसके आप यहां पर डोमेन नेम होना ही चाहिए आपको जो भी डोमेन नेम मिलता है अपने

को छोड़ के ब्लॉगर प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं और वहां से वो उनने अपना जो करियर है उसे बहुत ही अगर आपका जो कॉन्टेंट है वो बेसिकली कॉन्टेंट राइटिंग के ही रिलेटेड है आप कोई टूल नहीं दे रहे हो या फिर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड नहीं है या फिर आपको कोई बहुत सारे कुछ कंप्यूटेशन या कुछ और चीज नहीं करनी है आपका प्लेन टेक्स्ट का ही काम है आप बस आर्टिकल्स लिखते हो फोटोज डालते हो वीडियोज डालते हो तो उसके लिए आपका जो काम है वो इस सेटअप से चल जाएगा जहां पर आपको एक डोमेन नेम परचेज करना है जो कि आपको पचास साठ रुपए का भी मिल सकता है और हजार दो हजार रुपए का भी मिल सकता है और उसके साथ आप फ्री जो ब्लॉगर की होस्टिंग है उसके साथ जाके बहुत बढ़िया से अपना जो काम है उसे कर सकते हो लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब एडवांस फीचर्स चाहिए जहां पर आपको बहुत सारे प्लग मिल जाते हैं बहुत सारी कस्टमाइज थीम्स मिल जाती है उसी के साथ साथ आपको कस्टमाइज

जरूर बताना और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो और आप भी ब्लॉगिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो टाइम टाइम ब्लॉगिंग के रिलेटेड यार आपको के के रिलेटेड रिलेटेड निश या फिर आपको रैंकिंग के रिलेटेड न्यू आइडियाज के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो आपको मेरे चैनल के ऊपर टाइम टाइम मिलती जाएंगी तो उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि जैसे मैं नेक्स्ट लेके आऊ तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो आई मिनट द नेक्स्ट वन टिल देन बाय